यूं तो बॉबी देओल अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। भले ही वो ग्लैमर से भरी इस दुनिया से दूर रहती हो, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से करोड़ों दिलों को घायल कर रखा है। तो चलिए आज बॉबी नहीं बल्कि उनकी लकी चार्म, उनकी खूबसूरत वाइफ तानिया के बारे में आपको दिलचस्प बातें बताते हैं। कहा जाता है तानिया का जन्म मुंबई में ही हुआ। यही से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और फिर यही करियर भी शुरू किया। बताया जाता है उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया था। दोनों की मुलाकात की बात की जाए तो बॉबी देओल ने तानिया अहुजा को मुंबई के एक रेस्टोरेंट में देखा था। तानिया को देखते ही वो उन पर फिदा हो गए थे। कुछ समय बाद जब उनके बीच जान पहचान बढ़ी थी, तब बॉबी ने अपनी लेडी लव को उसी कैफे में प्रपोज किया था जहां उन्होंने उसे पहली बार देखा था। उनके बीच का एक किस्सा बेहद दिलचस्प है जिसके बारे में तानिया ने खुद बताया था। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा था, मैं दिवाली के समय चंकी पांडे के घर पर ताश खेलने गई थी। उस समय वहाँ पर बॉबी देओल आए और मेरे साथ बैठे। हम दोनों ने एक ही टेबल पर ताश खेला। बॉबी मुझसे हारते रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि वो कहते रहे कि वो मुझे खाने के लिए बाहर ले जाएगा। बॉबी के इन बातों ने मुझे काफी हैरान किया था। फिर तानिया और बॉबी देओल ने 30 मई 1996 में शादी की। दोनों के दो बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम आर्यमान है और छोटे बेटे का धर्म। धर्म से आपको कुछ याद तो जरूर आया होगा। जी हाँ, बॉबी देओल ने छोटे बेटे का नाम पिता धर्मेंद्र के नाम पर ही रखा है। तानिया अब भले ही देओल खानदान की बहू है जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो खुद फिल्मों का हिस्सा कभी नहीं बनी, बल्कि वो एक बिजनेस वुमन है। उनकी द गुड अर्थ नाम से एक कंपनी है जो फर्नीचर और होम डेकोरेशन से जुड़ी है। उन्होंने कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन के लिए काम किया है। रिपोर्टेडली जब तानिया की शादी हुई थी, तब वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। तानिया अहुजा के मायके वालों की बात करें तो उनके पिता का नाम देवेंद्र अहुजा है, जो पेशे से जाने माने बैंकर थे, जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कुछ कंट्रोवर्सी के चलते तानिया के भाई ने अपने ही पिता से बात करना छोड़ दिया था, लेकिन तानिया ने पिता को सपोर्ट किया और बेटे की तरह खड़ी रही। यही वजह थी कि साल 2010 में जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने दामाद और बेटी के नाम ही अपनी जमीन जायदाद कर दी थी। वैसे बहुत ही कम होता है जब तानिया मीडिया के सामने नजर आती है, और जब स्पॉट होती है तो पूरी महफिल ही लूट लेती है। बॉबी देओल की पत्नी तानिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।